नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश में अनलॉक 3 की तैयारी की, राजस्थान के ताजा सियासी हालात की, जानेंगे कि क्या बीजेपी को अलविदा कहेंगे मुकुल रॉय और विरोधियों पर क्यों तल्ख हुए उद्धव ठाकरे, और आखिर में बात शिक्षा मंत्रालय के नए नारे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली सरकार चलाने जा रही है एक नया अभियान, अभियान के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी सरकार, श्रम और रोजगार मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। राहुल गांधी ने 4 घंटे में किए 2 ट्वीट, कहा लोकतंत्र की रक्षा में उठाएं राहुल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया भारत में निवेशकों को लुभाने का तरीका, कहा निवेश आकर्षित करने के लिए भारत को अभी और आर्थिक सुधारों की है जरूरत। इस साल अब तक भारत को $40 अरब का मिल चुका है FDI। सौरव गांगुली के समर्थन में बोले श्रीलंका के पूर्व कप्तान संगकारा, कहा ICC चेयरमैन बनने के लिए गांगुली सबसे सही व्यक्ति, उनमें खेल की है गहरी समझ। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में बेशक कोरोना के मामलों में बढ़त देखने को मिल रही हो, लेकिन सरकार का जोर अब अर्थव्यवस्था को तेजी देने पर है। सरकार पहले ही अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में कई रियायतें कर चुकी है। अनलॉक का दूसरा चरण 31 जुलाई को खत्म हो रहा है, लिहाजा सरकार 1 अगस्त से तीसरे चरण की शुरुआत करने वाली है, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में देखिए अनलॉक 3 में किस क्षेत्र को मिलने वाली है राहत और कहां करना होगा इंतजार। भारत में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद सरकार अब अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हर महीने नई रियायतों का ऐलान कर रही है। पहले जून में पूर्णबंदी के चौथे चरण के बाद अनलॉक 1 लगाया गया, फिर इस महीने अनलॉक 2 के तहत रियायतों का दायरा बढ़ाया गया, और अब अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा को भी पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई, और अब सरकार 31 जुलाई के नजदीक आने के साथ ही अनलॉक के तीसरे चरण का ऐलान करने वाली है। माना जा रहा है कि इसमें सिनेमा हॉल खोलने की छूट मिल सकती है, साथ ही सीमित क्षमता के साथ जिम खोलने की इजाजत भी दी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरे चरण में फिलहाल स्कूलों और मेट्रो रेल सेवाओं को बंद ही रखा जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सामने सिनेमा हॉल खोलने का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय ने इसके लिए सिनेमा हॉल संचालकों से बात भी की है। बताया जा रहा है कि फिल्म थिएटर के संचालक शुरुआती चरण में जल्द से जल्द 50% सिटिंग क्षमता के साथ हॉल खोलना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इन्हें 25% क्षमता के साथ खोलने का प्रस्ताव दिया है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को पूरा करने के साथ। वहीं मौजूदा हालात के मुताबिक निर्णय लेने की छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से देश भर में जिम मालिक नुकसान का हवाला देते हुए जिम खोलने की मांग उठा रहे हैं। इसी के मद्देनजर सरकार आगे फैसला ले सकती है। इसके अलावा मॉल्स को भी पूरी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिल सकती है। हालांकि फिलहाल मेट्रो ट्रेन और स्कूलों का खुलना मुश्किल है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी पहले कह चुके हैं कि इस मुद्दे पर पहले अभिभावकों से फीडबैक लिया जाएगा। हालांकि जिस तरह से इस समय स्थिति लगातार खराब हो रही है, इसके बाद बच्चों के माता पिता स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में अब सरकार कब तक अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी करती है, ये देखना होगा। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद फिजा। राजीव जी, अनलॉक 2 के बाद अनलॉक 3 शुरू होगा। सरकार की ओर से इशारा मिल रहा है कि इस बार भी छूट का दायरा बढ़ेगा, लेकिन जब देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, पिछले 4 दिन से 50,000 के करीब मामले रोज आ रहे हैं, कई राज्य लॉकडाउन के दौर में लौट गए हैं, ऐसे में राजीव जी, केंद्र सरकार की तरफ से छूट का दायरा बढ़ाना कहाँ तक ठीक होगा? देखिए फिजा, सरकार के गलत फैसले और सही समय पर सही कदम न उठाने का खामियाजा देश जो है वो बीते कुछ महीनों से लगातार भुगत रहा है। बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जब देश में अधिक टेस्टिंग की जरूरत थी, तब ताली बजाओ और दिए जलाओ जैसे काम पर ज्यादा ध्यान दिया गया। नतीजा ये हुआ कि मरीजों की संख्या बढ़ती गई और लॉकडाउन जैसे उपाय आर्थिक तौर पर घातक साबित हुए। सब कुछ बंद करके भी वायरस को फैलने से रोका नहीं जा सका, तो सरकार ने धीरे धीरे कर खोलने की शुरुआत की और इसे अनलॉक का नाम दिया गया। ऐसे भी हम सब देख ही चुके हैं,
ही रहे हैं कि नाम देने में ये सरकार माहिर है, लेकिन काम करके दिखाने में कितना माहिर है वो तो पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं फिजा। चाहे लॉकडाउन का वक्त रहा हो या अनलॉक का, जो समस्या थी वो तो हल नहीं हुई, उल्टे आम आदमी के लिए मुसीबतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार अनलॉक के नाम पर रियायतें दे रही है, कई क्षेत्रों को खोल रही है। पहले जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे पहले जो है वो बाजार खोले गए, फिर मॉल खुले, रेस्तरां खुले, सैलून खुले, घरेलू विमान यात्रा शुरू हुई और अब शायद जिम और सिनेमा घर भी खुल जाएं। इन सब से सरकार अपनी तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी देती है और फिर जनता जाने, उसकी तबीयत जाने। केंद्र सरकार अपनी ओर से फैसले ले रही है और राज्य सरकारों को अपने फैसले लेने की छूट भी दे रही है। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, वहां अलग अलग तरह के लॉकडाउन चल रहे हैं। अब वहां अनलॉक किस तरह से होगा ये पता नहीं है फिजा। और इस बीच मरीजों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं, और जिस रफ्तार से टेस्टिंग हो रही है उससे तो यही लगता है कि सही आंकड़े अभी तक नहीं आ रहे हैं, उसका पता नहीं चल पा रहा है, यानी हालात कितने गंभीर हैं इसका अनुमान जनता को लग ही नहीं रहा है। और सरकार अपनी तरफ से अब भी कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है, ये साफ प्रतीत होता है। बस वो जो है प्रयोग के तौर पर कोई भी कभी भी फैसले ले रही है जिसका अंजाम जनता भुगत रही है, लेकिन सरकार को याद रखना चाहिए कि उसके लिए गए फैसलों से केवल जनता ही नहीं बल्कि आने वाले समय में वो भी प्रभावित हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर सूबे का सियासी माहौल पहले ही गरमाया हुआ है, तो वहीं पूरी कांग्रेस ब्रिगेड ने भी विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया नाम से चलाए जा रहे अभियान में अब राजस्थान मामले को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा है, साथ ही जनता से लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए आवाज उठाने की अपील भी की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी कोरोना के बढ़ते मामले से लेकर चीन की हिमाकत और अर्थव्यवस्था से लेकर लोकतंत्र के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लेने से नहीं चूकते। इसी कड़ी में आज एक बार फिर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा है। आज राहुल गांधी ने देश की जनता से एकजुट होने की अपील की है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, आइए एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। भारत का लोकतंत्र संविधान के आधार पर जनता की आवाज से चलेगा। बीजेपी के छल कपट के षड्यंत्र को नकार कर देश की जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगी। अपने ट्वीट में उन्होंने स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी हैशटैग का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो साझा किया है। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी में राहुल गांधी ने राजस्थान घटनाक्रम पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि धनबल के दम पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले राजस्थान मामले पर उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा था कि राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान किया जा रहा है, राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार देर रात 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र को भेजा है। बताया जा रहा है कि इसमें कहा गया है कि वो कोरोना पर विशेष चर्चा करना चाहते हैं और 6 बिल पेश कराना चाहते हैं, इसलिए सत्र जल्द बुलाया जाए। हालांकि प्रस्ताव में बहुमत साबित करने का कोई जिक्र नहीं है। दरअसल राज्यपाल भी सरकार से ही पूछ रहे थे कि आखिर वो विधानसभा सत्र क्यों बुलाना चाहती है और उनका एजेंडा क्या है, जिसके बाद सीएम गहलोत ने नया प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। अब राज्यपाल इस पर क्या फैसला लेते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के तीखे शब्द बाढ़ पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है ये भी देखना होगा। एक तरफ राजस्थान में सियासी उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ लद्दाख में LAC पर भी हलचल कम होती नजर नहीं आ रही। करीब 1.5 महीने पहले भारतीय सेना के साथ चीन की सेना ने झड़प की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठक में बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार की तरह चीन बात से उलट ही कदम उठाता गया। इस बीच अब खबर है कि उसने पेंगोंग सो क्षेत्र में कई नए निर्माण किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और चीन सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। बातचीत में जिन मुद्दों पर सहमति बन जाती है चीन हर बार उनसे मुकर जाता है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि चीन अपने वादों से पीछे हट गया है और उसने अपने जवानों को हटाने की जगह हजारों की संख्या में उनकी तैनाती कर दी है। और अब खबर है कि LAC के पास चीन ने पेंगोंग क्षेत्र में कई नए निर्माण किए हैं। ये जानकारी नवीनतम सैटेलाइट इमेज से प्राप्त हुई है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में दोनों देश लद्दाख के पेट्रोल पोस्ट 14 से पीछे हट गए थे, जहां 15 जून को हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों को अपनी जान खोनी पड़ी। इसके बाद इस क्षेत्र में दोनों तरफ 3 किलोमीटर का बफर जोन बनाया गया, लेकिन तनाव जारी रहा। 15 जुलाई की सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि फॉक्स होल पॉइंट पर चीनी निर्माण हो रहा है। वहां PLA ने कई तारपोलिन टेंट लगाए हैं।
एक वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये साफ है कि ये चीनी टेंट हैं, क्योंकि पीएलए का टेंट लाल तारपोलिन का है और ये चीन की तरफ है। कई और टेंट भी एलएसी को चिन्हित करते हुए फिंगर चार की ऊंचाई पर दिखाई दे रहे हैं। इससे ये साफ नजर आ रहा है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। आपको बता दें कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग इलाके में चीनी सैनिकों की वापसी का तरीका तय करने के लिए अगले हफ्ते उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता कर सकते हैं। अभी तक दोनों देशों की सेनाओं के शीर्ष सैन्य कमांडरों के बीच चार चरण की वार्ता हो चुकी है, तो अब देखना होगा कि इस बार की बैठक में क्या कुछ खास रहता है और चीन के निर्माण कार्य के बाद भारत की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। अब चीन की इस हरकत पर भारत क्या जवाब देता है, ये देखना होगा। वहीं देखने लायक पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल भी है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बंगाल में नेता का चुनाव ही मुश्किल हो गया है। पार्टी गुटों में बंटी नजर आ रही है और इसका नजारा पिछले दिनों दिल्ली में बीजेपी की बैठक में भी दिखा, जिसमें मुकुल रॉय शामिल नहीं हुए। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या मुकुल रॉय वापस टीएमसी में जा रहे हैं, क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर और क्या सोच रहे हैं मुकुल रॉय, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नवंबर 2017 में मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले उनकी गिनती टीएमसी के बड़े नेताओं में होती थी। उन्हें ममता बनर्जी का सबसे करीबी माना जाता था, लेकिन जब बंगाल में शारदा चिटफंड मामला सामने आया तो मुकुल रॉय की ममता से दूरियां बढ़ती चली गई और रॉय को टीएमसी छोड़नी पड़ी। वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी को इसका फायदा भी मिला और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी रणनीति का ही कमाल था कि बीजेपी को बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटें मिल गईं। बीजेपी राज्य में चौथे नंबर की पार्टी से सीधे दूसरे नंबर पर आ गई। इसके साथ ही पार्टी दावा करने लगी कि 2021 में वो बंगाल में सरकार भी बनाएगी। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी टीएमसी और बीजेपी की ओर से तेज हो गई हैं। रॉय को उम्मीद थी कि पार्टी उनकी मेहनत का इनाम देगी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन्हें कोई भी बड़ी जिम्मेदारी आज तक नहीं मिल पाई है। बंगाल में भी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में वो खुद को अलग थलग मान रहे हैं, इसलिए दिल्ली में होने वाली 3 दिन की पार्टी की बैठक में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। रॉय दिल्ली में तो पहुंचे, लेकिन पार्टी से दूरी बनाए रखी। शुक्रवार को वापस कोलकाता लौट गए। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष से जब मुकुल रॉय के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुकुल रॉय की आंखों में दिक्कत है और उन्हें इसका इलाज कराना था, इसलिए वो कोलकाता लौट गए। लेकिन रॉय पार्टी के साथ ही हैं। दिलीप घोष दावे कर रहे हैं कि मुकुल रॉय नाराज नहीं हैं, वो पार्टी के साथ हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि मुकुल रॉय की ममता बनर्जी से भी बातचीत चल रही है, लेकिन ना तो रॉय और ना ही टीएमसी की ओर से इस बारे में कुछ कहा गया है। लेकिन रॉय के तेवर बता रहे हैं कि वो पार्टी में खुश नहीं हैं और उनके बयानों से भी अब ये झलकने लगा है। बीजेपी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि 2021 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को 294 में से 190 सीटें आसानी से मिल जाएंगी और वो सरकार बनाएगी। बंगाल में विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 148 है, ऐसे में 190 सीटें 2/3 के करीब होती हैं। विजयवर्गीय 190 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं तो मुकुल रॉय इसे खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय का दावा जमीनी स्तर की वास्तविकता से मेल खाता हुआ नहीं दिखता, यानी विजयवर्गीय के दावे जमीन पर कम हवा में ज्यादा दिख रहे हैं। कि क्या मुकुल रॉय जल्द ही बीजेपी को अलविदा कहने वाले हैं, क्या टीएमसी में जा रहे हैं मुकुल रॉय या फिर वो अभी करेंगे इंतजार। एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं जो पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में तो बीजेपी लगातार उद्धव सरकार की मुसीबत बढ़ाने में लगी है। बीजेपी तो यहां तक कह चुकी है कि 3 पहिए वाली सरकार ज्यादा नहीं चलने वाली, जिसके बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राजस्थान की सियासी हलचल के बीच महाराष्ट्र में विरोधियों को चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान में मची सियासी उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा भी चढ़ता जा रहा है। राजस्थान में मची सियासी उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा भी चढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार में हलचल तेज हो गई है। सीएम उद्धव सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी बीच अब उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान देते हुए विरोधियों को सख्त चेतावनी दे डाली है। ठाकरे ने कहा कि जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी है वो गिराए, मैं भी देखता हूँ। उन्होंने कहा कि इंतजार किसका है, अब सरकार गिराओ, सरकार 3 पहियों वाली है लेकिन वो गरीबों का वाहन है, स्टेयरिंग मेरे हाथ में ही है। बुलेट ट्रेन या रिक्शा में चुनाव करना पड़ा तो मैं रिक्शा ही चुनूंगा। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों के साथ ही खड़ा रहूंगा, मेरी ये भूमिका मैं बदलता नहीं हूँ।
कोई ऐसी सोच न बनाए कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, मतलब बुलेट ट्रेन के पीछे खड़ा रहूंगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना से बात करते हुए सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, लेकिन रास्ता निकालेंगे। वहीं ऑपरेशन कमल महाराष्ट्र में सफल होगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि करके देखो ना, मैं भविष्यवाणी कैसे करूंगा, आप करके देखो, जोड़ तोड़ करके देखो। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपको आपकी पार्टी में ऐसा क्या नहीं मिलता जो आप दूसरी पार्टियों में जाते हैं। कई जगह पर ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे तोड़फोड़ होती है उसके पीछे इस्तेमाल करो और फेंक दो, यही नीति सबने अपनाई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी सरकार को तीन पहिए वाली सरकार कहते हुए केंद्र पर तंज कसा है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि केंद्र में कितने पहिए हैं, हमारी तो ये तीन पार्टियां ही सरकार है, केंद्र में कितने दलों की सरकार है। पिछली बार जब मैं एनडीए की मीटिंग में गया था तब तो 30 से 35 पहिए थे, मतलब रेलगाड़ी थी। उद्धव ठाकरे की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब राजस्थान में उथल पुथल मची हुई है और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कमल की आहट हो रही है। अब देखना होगा कि उद्धव की चेतावनी पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देता है। महाराष्ट्र सीएम की चेतावनी से जहां बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं नेपाल की राजनीति में भी घमासान थमता नहीं दिख रहा। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड और मौजूदा पीएम केपी शर्मा ओली के समझौते की खबरों ने जोर पकड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर प्रचंड ने पीएम ओली पर गंभीर बयान दिए हैं, जिससे नेपाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। नेपाल की सियासत में कुछ दिन की शांति के बाद फिर घमासान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग पर अड़े मुख्य विरोधी पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने माना है कि सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में टूट का खतरा बढ़ रहा है। प्रचंड के मुताबिक ओली इस जिद पर अड़े हुए हैं कि वे पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद में से किसी भी पद से इस्तीफा नहीं देंगे, यही विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। नेपाल में सियासी घमासान करीब 2 महीने से जारी है, लेकिन पिछले हफ्ते इस तरह के संकेत मिले थे कि प्रचंड और ओली समझौते के करीब हैं, लेकिन प्रचंड के इस बयान से साफ हो गया है कि दोनों नेता अलग राह पर चल रहे हैं। प्रचंड ने ओली पर एक नया आरोप लगाया है कि एक तरफ तो पीएम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वो अलग पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। प्रचंड ने आगे ये भी कहा कि ओली ने सीपीएन यूएमएल नाम से नेशनल इलेक्शन कमीशन में एक नई पार्टी रजिस्टर करा ली है। प्रचंड ने कहा कि ये किसी तरह की सियासत है, नई पार्टी बनाने की हरकत तब की गई जब ओली से मेरी बातचीत चल रही थी। क्या इससे ये साफ नहीं हो जाता कि एक तरफ तो वो समझौते की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता में बने रहने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि देश का भी काफी नुकसान हो रहा है। देश के विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता सबसे जरूरी है, हमें लोगों के भरोसे को कायम रखना होगा। लेकिन अब देखना होगा कि प्रचंड के ओली पर लगाए गए ये आरोप सही साबित हो पाते हैं या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात शिक्षा मंत्रालय के नए नारे की। देश और दुनिया में जारी कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है, तो वहीं इससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। मुसीबत की वजह से छात्र विदेश में पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में अब भारत इस मौके को भुनाने में जुट गया है, जिसके चलते मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया का नया नारा बुलंद किया है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, कोई भी क्षेत्र इस मुसीबत के प्रकोप से अछूता नहीं रहा है। छात्रों की पढ़ाई पर भी इसका बुरा असर देखने को मिला। स्कूल कॉलेज में ताला लटका है, तो वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से इस बार छात्र विदेश में पढ़ने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में भारत जुट गया है। जी हां, विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों और विदेश में जाने की तैयारी कर रहे भारतीय छात्रों के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया का नया नारा दिया है। स्टडी इन इंडिया मंत्रालय का एक प्रोग्राम है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, कोरोना से पैदा हुई स्थिति की वजह से विदेश में पढ़ाई करने की चाह रखने वाले कई छात्रों ने भारत में रहने का फैसला लिया है। कई ऐसे छात्र जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भारत आना चाहते हैं। मंत्रालय को दोनों ही तरह के छात्रों को ध्यान में रखकर उनकी जरूरतों को पूरा करने की तमाम कोशिशें करनी चाहिए। विदेश जाने की चाह रखने वाले छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाने और ऐसे अवसर देने के फैसले लिए गए हैं जिसके तहत उन्हें भारत में रोका जा सके। वहीं विदेश में पढ़ रहे ऐसे छात्र जो भारत लौटना चाहते हैं, उन्हें उनका प्रोग्राम पूरा करने में मदद करने की भी तैयारी की जा रही है। नए नारे को साकार करने को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसे 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसके प्रमुख
यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह होंगे। कमेटी को ज्यादा से ज्यादा छात्रों को भारत में रोकने को लेकर एक गाइडलाइन तैयार करनी है। इसका रास्ता भी बताना है कि अच्छे विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी और इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू करने के रास्ते भी तलाशे जाएंगे। देखना होगा कि सरकार का ये प्रोग्राम कितना सफल हो पाता है। दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।